चिलियन गार्लिक के तमाम व्यूअर्स को आज के इस नए वीडियो में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज जो मैं चीज़ बनाने जा रही हूँ वो शहरों में तो मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, गांवों में मिल जाती है और बहुत शौक़ से भी खाई जाती है, लेकिन अब इसका चलन कम हो गया है। लेकिन होती बहुत मज़ेदार है। वो हैं ये हरे चने, जिन्हें होले भी कहा जाता है, और ये ऐसे करके इसको छीला जाता है और इसमें से ये चने निकलते हैं, जो मैं आपको छील कर दिखा रही हूँ। ये देखें, हरा चना है जो कि सुखा कर काला चना बन जाता है, जो हम बहुत शौक से खाते हैं। तो ये भी बहुत मज़े का होता है और ये बहुत कमी से मिलता है, इसलिए मैंने सोचा आज आपको इसकी भी सब्ज़ी बनाकर दिखाऊं कि बहुत मज़े की सब्ज़ी मिलती है, बनती है इसकी। ये हमारे होले या हरे चने तैयार हो चुके हैं छिलकर। ये लोग कम बनाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मज़ेदार होते हैं, इसलिए मैंने चाहा कि आपके सामने ये रेसिपी शेयर करूं। इसके साथ ये हमने लिए 1.5 कप, और ये 2 आलू लिए इसके साथ, 2 हरी मिर्च चॉप की हुई, 1-1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 प्याज जिसे हमने ग्राइंड कर लिया, 1 बड़ा टमाटर इसका भी पेस्ट बना लिया, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। थ्री टेबल स्पून ऑयल लिया है हमने, और ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ये प्याज, इसे फ्राई करेंगे। प्याज हल्की सी प्याजी हो गई है, अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसे 2-3 मिनट भूनेंगे। दो मिनट हो गए लहसुन अदरक को भी भूनते हुए, अब हम डाल देंगे टोमेटो पेस्ट। इसे 1 मिनट फ्राई करेंगे। अब ये हरी मिर्च भी डाल देंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे सूखे मसाले, गरम मसाला और कसूरी मेथी हम लास्ट में डालेंगे, और बाकी मसाले जो हैं वो डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें 5 से 7 मिनट भूनेंगे। आलू के हम पीसेस कर लेंगे, तो हम इतने छोटे पीसेस कर रहे हैं, आपका जैसा दिल करे उतने ज़्यादा आलू लीजिए और या उतने कम लीजिए और उसी साइज़ में काट लीजिए। मसाला हमारा भून चुका है, देखें कितना दानेदार मसाला बना है। अब हम ये चने, हरे चने इसमें डाल देंगे। मसाले के साथ 1 मिनट भूनेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पानी, और इतना पानी डालेंगे कि इसके लेवल से ऊपर हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा रहता है। और इसको गलने तक पकाना है, मतलब 6 से 7 सीटियां लगाएंगे, फिर चेक करेंगे गल गए तो फिर हम आलू डालकर गलाएंगे। छह से सात सीटियां लगाई हमने और हरे चने गल चुके हैं।
ये देखें गरम है बहुत ज़्यादा, तो ये गल गए हैं। अब इसमें हम आलू डालेंगे और 2 सीटी और लगाएंगे। दो सीटियां लग चुकी हैं और आलू भी गल चुके। अब इसमें हम कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। अब इसे हम डिश आउट करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। हरे चने या होले आलू के साथ जो हमने बनाए उसकी सब्जी तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और दिल करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाज़िर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।